गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर। अब आप लोग तो कल बड़े सारे कह रहे थे मैम इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिटीज होती क्या हैं, है ना। तो अब हमारी लास्ट आइडेंटिटी है जो आज हम करेंगे और इसके साथ ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, आज तक हमने तीन आइडेंटिटीज की, तीनों में साइंस में प्रॉब्लम आई होगी लेकिन टर्म्स हर जगह सेम थी, बायनॉमियल्स थी, ये भी प्रोडक्ट ऑफ बायनॉमियल है नो डाउट, लेकिन ये आइडेंटिटी थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आइडेंटिटी कब लगेगी, जब हमारी फर्स्ट टर्म सेम होगी बायनॉमियल की, लेकिन सेकेंड टर्म जो होगी वो डिफर करेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम होगी इसीलिए हम उनको नाम दे देते हैं एक्स। फर्स्ट टर्म को हम x मान लेते हैं और अगर हम दोनों की सेकेंड टर्म को काउंटिंग करें तो एक को सेकेंड मानना पड़ेगा, एक को थर्ड मानना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसको हम क्या कहते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जब हमारी फर्स्ट टर्म सेम होगी लेकिन सेकेंड बायनॉमियल जो है वो सेम नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखो यदि मैम आइडेंटिटी का रिजल्ट बोले तो कितना दुखी होता है ना मन, समझ में नहीं आता ना बोलने कैसे, इसलिए मैंने आज तक किसी भी आइडेंटिटी का रिजल्ट नहीं बोला। पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर तो रिजल्ट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो हम x प्लस ए और x प्लस बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे जैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले x को करेंगे x प्लस बी के साथ, फिर a को करेंगे x प्लस बी के साथ। जब x को x के साथ किया तो x स्क्वायर आया, x को b के साथ किया तो bx आया, प्लस a को x के साथ किया तो ax आया, और a को b के साथ किया तो ab आया। साइन हर जगह प्लस के आएंगे, क्यों, क्योंकि है प्लस का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स एक्स वाली दो है हमारे पास, बी एक्स प्लस ए एक्स, और ए और बी आपस में प्लस नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स कॉमन आ गया और अंदर आ गया हमारे पास बी प्लस ए प्लस ए बी। ओके, फिर हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ गया, और मैंने यही बोला कि हम कोशिश करेंगे अल्फाबेटिकली लिखते हैं ए पहले और बी बाद में। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, या एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये इसका रिजल्ट है। एट क्लास में बेटा मैक्सिमम जो है इस आइडेंटिटी का यूज जब जब भी करना होगा, उन्होंने ऊपर लिखा ही होगा कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा या फॉर्मूलाज में जब भी आएगा तो उसका रिजल्ट आपको याद करना है। तो किसके बराबर है, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड और थर्ड को प्लस करके फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लीकेशन। सी हाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका पूरा ही इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें बार बार ये नहीं लिखना बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा है कि यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, उन्होंने साफ साफ लिखा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जब बार बार ये लिखेंगे तो ऊपर रिजल्ट लिखा होगा तो आपको तो वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, हेयर ए क्या है हमारा 3 और बी क्या है 7, एक्स को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि एक्स तो एक्स ही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर है, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड और थर्ड को प्लस कर देंगे, मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, जो इस ब्रैकेट में प्लस करेंगे उन्हीं को आगे जाके मल्टीप्लाई कर देना, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 प्लस 7 क्या हो गया 10, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 7 इंटू 3 21, सो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 जो है वो इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट इज 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। अब यहां पे देखो जो x है फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो x नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि यहां पर हमने ये नहीं लिखना बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ऊपर आइडेंटिटी दी है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। सो x क्या है इसमें 4x, a 5 है और b जो है वो 1 है, तो कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस
ए और बी को प्लस कर देंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो हमने ब्रैकेट में प्लस किया अब आगे जाके उन्हीं को मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 आ गया। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर किया तो 16x² प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 + 1 = 6 हो गया, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 × x प्लस 5 × 1 = 5। क्लियर। अगला देखिए, 4x - 5 × 4x - 1। अब यहां पर क्या होगा, जो साइंस होंगे हमारे वो ए और बी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ए की आइडेंटिटी और वो भी उन्होंने ऊपर लिखी है कि यूज आइडेंटिटी x + a × x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b × x + ab। तो x हमारे पास क्या आ गया, 4x, a क्या आ गया, -5 और b आ गया -1। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर 16x², फिर सेकेंड और थर्ड को प्लस करेंगे, प्लस का मतलब है एल्जेब्रिक सम करेंगे, -5 - 1 मीन्स -, प्लस करना प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो दिस इज -6। -6 को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -24x। अब दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है, 5 × 1 = 5। तो ये आ गया 16x² - 24x + 5। थोड़ा बहुत समझ में आया, तो ये सेकंड क्वेश्चन पूरा ही पूरा इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है और हमने कहीं नहीं जाना, और आइडेंटिटी भी क्या ऊपर सब कुछ दिया है, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है, ए और बी और एक्स की वैल्यूज डालनी है ना। तो इतना तो आपने सेवंथ क्लास में सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज की हुई है।